हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 23 जून को, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास की। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और वैसे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 30 क्वेश्चन को मैं 3 वीडियोज़ में रिकॉर्ड करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, एक ये क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द डोनेशंस दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशंस विल बी अकाउंटेड टू इन द बैलेंस शीट एंड डिटेल ऑफ द डोनर्स विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइल। तो इस तरीके से सेंटेंस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन बेसिक पर ही आधारित है ये सेंटेंस और इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो गलती है वो यहाँ पर है, बी पार्ट में इसमें गलती है। अकाउंटेड टू के स्थान पर इसमें हम लिखेंगे अकाउंटेड फॉर, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेड फॉर का अर्थ होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा कि जो डोनेशंस दिए जा रहे हैं कंपनी में, जो डोनेशंस आ रहे हैं उनको उनको बैलेंस शीट में एक्सप्लेन किया जाएगा, वहाँ पर उनको मेंशन किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अकाउंटेड टू के स्थान पर इसमें अकाउंटेड फॉर का प्रयोग होगा और बी इसमें आपका आंसर होगा। तो अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इट सीम्स दैट ग्लोबल सेल्स ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स पेटेंट ऑल्दो द कंपनी हैज़ बीन। अब देखिए, इसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हैज़ बीन चूंकि लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से इसमें कोई काम चल रहा है, तो हैज़ बीन ट्राइड ना होते हुए यहाँ पर आएगा हैज़ बीन ट्राइंग, ठीक है, हैज़ बीन ट्राइड ना होते हुए हैज़ बीन ट्राइंग आएगा और इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा डी, इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द पास्ट फ्यू वीक्स अक्रॉस द कंट्री द प्राइस ऑफ स्पीसीज हैज़ फॉलन शार्पली एज द पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड प्रेफर माइल्ड फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में द प्राइस ऑफ स्पीसीज हैज़ फॉलन शार्पली, ठीक है। प्राइसेस जो हैं स्पीसीज के वो कम हो गए हैं, लेकिन कब कम हुए हैं ये, यहाँ पर हम ड्यूरेशन बता रहे हैं ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स के स्थान पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। ऑन नहीं आएगा इसमें क्योंकि ऑन डे और डेट के लिए आता है। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पर हम ओवर या ड्यूरिंग लगा सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, इसमें आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। रिपोर्ट सेज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एट मार्केट एंड इकोनॉमी। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी कहाँ पर है, मार्केट में है और इकोनॉमी है, तो इसलिए यहाँ पर एट नहीं आएगा, यहाँ पर हम इन लगाएंगे क्योंकि लोकेशन के लिए हम इन लगाते हैं, एट हम पॉइंट के लिए लगाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट विल बी लेफ्ट ब्लैंक। देखिए, द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट विल बी लेफ्ट, ये यानी पैसे बॉयस है, ये विल बी के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो ये पैसे बॉयस है। विल बी लेफ्ट ब्लैंक एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द फादर स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी। अब देखिए, यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, चूँकि ये वाला पार्ट जो है ये पैसे बॉयस में है और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ डिसाइडेड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि दैट द नेम ऑफ फादर स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी प्रिंटिंग की जगह है, यहाँ हम बोलेंगे विल नो लॉन्गर बी प्रिंटेड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये भी पैसे वॉइस में आएगा, ठीक है। तो लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट विल बी लेफ्ट, मतलब जो पासपोर्ट का लास्ट पेज है उसको छोड़ दिया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा, उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ फादर स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, मतलब चूंकि फादर स्पाउस और लीगल गार्जियन का नाम लास्ट पेज पर प्रिंट नहीं किया जाएगा इसलिए उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर पैसे वॉइस के अकॉर्डिंग इसमें विल नो लॉन्गर बी, यहाँ पर प्रिंटेड, प्रिंटिंग के स्थान पर इसमें प्रिंटेड वर्ड का प्रयोग होगा। तो इसमें
आपका आंसर होगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। द ऑफिशियल सेड दैट द इंडियन मोटरसाइकिल्स दैट आर इम्पोर्टेड इन द यूएस डू नॉट हैव एनी टैरिफ ऑन देम। रिस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस का जवाब देते हुए द ऑफिशियल सेड मतलब जो अधिकारी थे उन्होंने बताया दैट इंडियन मोटरसाइकिल्स दैट आर इम्पोर्टेड मतलब ऐसी इंडियन मोटरसाइकिल्स जिनको इम्पोर्ट किया जाता है यूएस में डू नॉट हैव एनी टैरिफ ऑन देम मतलब उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता। तो इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, और बैंकिंग में इसी तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं। देखिए इम्पोर्टेड जो वर्ड है इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट को दिखाने के लिए यहाँ पर इन ना आते हुए इसमें इनका इनटू का प्रयोग होगा यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये किस में है? ये पार्ट है सी में, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द समर हॉलीडेज राउंड द एरिया वन ऑफ द थिंग्स दैट पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर इज द स्पेस वेयर दे कैन टेक देयर चिल्ड्रन फॉर हॉलीडेज। मतलब चूंकि समर हॉलीडेज जो है वो पास में ही है, समर हॉलीडे आने वाला है, इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को खोज रहे हैं कि कहाँ पर वो अपने बच्चों को छुट्टियों के लिए ले जा सकें। तो इसमें जो फ्रेज है विद द समर हॉलीडे राउंड द एरिया की जगह इसमें हम बोलेंगे राउंड द कॉर्नर, क्योंकि राउंड द कॉर्नर का मतलब है कि पास में है या होने वाला है, ठीक है। राउंड द कॉर्नर एक फ्रेज होता है, एक एरिया होता है, राउंड द एरिया गलत है, राउंड द कॉर्नर होता है ये। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, ठीक है। तो ये भी एक फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन दो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हेल्प यू सेव टैक्स फॉर द करेंट ईयर द इंटरेस्ट इनकम बिकम्स अ टैक्स लाइबिलिटी ईच ईयर। देखिए टैक्स सेविंग जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हैं जैसे FD हैं या PPF हैं वो आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है इंटरेस्ट इनकम बिकम्स अ टैक्स लाइबिलिटी, उसका जो इंटरेस्ट बनता है उस पर, सपोज आपने एक FD करवाई उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो क्या बन जाती है? एक टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है ईच ईयर, हर साल वो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। कब तक? टिल द एंड ऑफ द टेन्यूर, जैसे 5 साल का टेन्यूर है तो तब तक वो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती जाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 गलत है इसमें, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। देखिए ये है आपके अलग तरीके के क्वेश्चन, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ऑल द रेज का मतलब बताना है। आई कांट बिलीव दैट स्टूपिड डांस इज ऑल द रेज राइट नाउ। तो ऑल द रेज का क्या मतलब निकल रहा है ये आपको बताना है यहाँ पर। हैपनिंग पॉपुलर वाइड स्प्रेड ओवरटेकिंग ग्रूबी, ग्रूबी का अर्थ भी काफ़ी अच्छा होता है ग्रूबी, ठीक है। ओवरटेकिंग वाइड स्प्रेड मतलब सब जगह फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो होगा ऑल द रेज का पॉपुलर, ऑल द रेज मतलब पॉपुलर, बी इसका सही आंसर यहाँ पर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ गोइंग टू बेयर अभी द पाम इन द कॉन्टेस्ट। तो ये एक फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये एक idiom है, और बेयर अभी द पाम का मतलब होता है विन, जीत जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये 23 जून 2018 को किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, और जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा और ई कोर्स में भी अपलोड करूँगा इन क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस की मदद से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस SBL क्लर्क एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन 2 वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगा, तो उनको भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप और क्वेश्चंस मुझे भेजना चाहते हैं, रियल क्वेश्चंस इंग्लिश के आप भेजना चाहते हैं, तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे ज़रूर भेजें और उसका सॉल्यूशन मैं बना के जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। और यहाँ पर मेरा कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझे क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।